और कर रहे हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड मर्डर केस में, जहां रिसेप्शनिस्ट की मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उसकी मौत डूबने से हुई और उसके शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। चोट किस तरह से लगी, ये डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही साफ हो पाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है अभी वो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताई जा रही है, जिसमें ये साफ हो पाया है कि लड़की की मौत दम घुटने से, पानी में डूबने से हुई, साथ ही उसके शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मनोज, कब तक आ पाएगी डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुरुआती रिपोर्ट में क्या कुछ साफ हो पाया है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि लड़की की जो अभी शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने आ गई, जिसके अंदर ये साफ हुआ है कि उसकी मौत डूबने से हुई थी। इतना ही नहीं, उस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि शरीर के ऊपर कुछ चोट के निशान भी थे, लेकिन उसको चोट कैसे लगी है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार लड़की को चोट कैसे लगी थी, लेकिन जो पुलिस की थ्योरी सामने आ रही थी, जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया था कि पुलकित और उसके दो साथियों के साथ जो रिजॉर्ट के ही कर्मचारी थे, उनके साथ लड़की को ले जाया गया था बैराज के पास, और उसके बाद वापस लौटते वक्त जब लड़की का पुलकित के साथ कुछ झगड़ा हुआ, लड़की ने पुलकित के फोन को नहर में फेंक दिया, उसके बाद पुलकित ने लड़की को वहां से धक्का दे दिया। तो जो बात सामने आ रही थी अभी तक फिलहाल वही चीजें भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल करके आई है कि उसको धक्का ही दिया गया है, क्योंकि शुरुआत में ऐसा भी कहा जा रहा था कि पहले लड़की का मर्डर किया गया और उसके बाद उसको धक्का दिया गया, लेकिन जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे कहीं ना कहीं यह साफ होता है कि लड़की को पानी के अंदर धक्का दिया गया था, उसकी मौत डूबने से हुई है। हाँ, शरीर पर चोट के निशान किस वजह से आए हैं ये जब पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये चीजें साफ हो पाएंगी। जी नजर बनाए रखिएगा मनोज, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तराखंड के रिसेप्शनिस्ट मर्डर केस में अब सब जहां इंतजार सभी को डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है, तो बीते कुछ घंटों में कई अपडेट भी आए हैं और अब से थोड़ी ही देर में लड़की का अंतिम संस्कार भी श्रीनगर में कर दिया जाएगा। लड़की के परिवार वाले दोषियों की फांसी पर अड़े हैं। 24 सितंबर की सुबह SDRF का मेगा सर्च ऑपरेशन अंजाम तक पहुंच ही गया। पूरे 5 दिन बाद रिसेप्शनिस्ट लड़की की लाश चीला नहर से बरामद कर ली गई। ऋषिकेश एम्स में 3 डॉक्टर के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया, लेकिन रिसेप्शनिस्ट के परिवार वालों की पीड़ा का कोई अंत नहीं है। परिवार की एक ही मांग है, आरोपी पुलकित और उसके दोस्त को जल्द से जल्द फांसी। वनंतरा रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट के मर्डर केस ने देवभूमि को झकझोर कर रख दिया है। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, रिजॉर्ट के प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित के खिलाफ कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तीनों अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। रिसेप्शनिस्ट मर्डर केस में लाश मिलने के बाद क्या क्या अपडेट हुए हैं ये जानने के लिए ABP न्यूज ने उत्तराखंड के DGP से बात की। हमने DIG की अध्यक्षता में टीम गठित की है, अभी बहुत सारी बातें सामने आएंगी। जो जिस बात से ये स्पष्ट हुआ है कि लड़की पे दबाव बनाया जा रहा था, वो उसका जो साथी है, जो चैट है, उसको भी बुलाया जा रहा है, उससे भी बयान लिए जाएंगे, उससे बात की जाएगी। इन लोगों को भी एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तो दोबारा भी हम PCR लेके और बातें कर सकते हैं। बाकी हमारे पास मतलब विवेचना अभी तक काफी अच्छी हुई है और अब हमने DIG की अध्यक्षता में टीम गठित की तो और बेहतर करेंगे। रिसेप्शनिस्ट मर्डर की जांच के लिए धामी सरकार ने एक SIT गठित की है, जिसकी प्रभारी DIG P रेणुका देवी को बनाया गया। हमने कहां पर इसको घटना हुआ है वहां पर निरीक्षण किया है, एंड किस रिसोर्ट में वो काम करती थी वहां पर भी हमने देखा है, और कहां पर इसको डेड बॉडी मिला है वो सारा जहां पर हमने टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है, एंड कितना भी एविडेंसेस हमें वहां पर मिल सके वो सारा एविडेंसेस को हमने इकट्ठा किया। सो हमारा पूरा प्रयास रहेगा 100% कितना भी अक्यूज्ड है इसमें, सो उनको बिल्कुल मैक्सिमम पनिशमेंट को इंश्योर करने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। इधर उत्तराखंड सरकार ने जिला प्रशासन को उन रिजॉर्ट को सील करने का आदेश दिया है जो या तो अवैध हैं या नियमों की अनदेखी करके ऑपरेट हो रहे हैं। धनचुली क्षेत्र के 5 रिजॉर्ट सील भी कर दिए गए हैं। इस केस में आरोपी पुलकित आर्य के पिता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को BJP ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट ABP न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने होए 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 होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।